भी पार्टी की अमेठी के गौरीगंज विधानसभा विधायक राजीव सिंह ने आज विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपने इस्तीफा दिया। सर क्या अपने क्षेत्र की कुछ मार्गों की समस्याओं को लेकर लगातार मैं सदन में समिति में बात को उठा रहा था, लेकिन सरकार उस पर एक आश्वासन देने के बाद भी विचार नहीं कर रही थी और लगातार आश्वासन दिया जा रहा था। पराकलन समिति ने स्थलीय निरीक्षण कर लिया, माननीय ग्राम विकास मंत्री ने दो दो बार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, उसके बाद उन मार्गों का नवीनीकरण नहीं किया गया। तो और सदन में सरकार आश्वासन दिया 25 फरवरी को कि 3 महीने से भी न्यूनतम समय में इन मार्गों को बनवा दिया जाएगा। तो जिस सदन में सरकार आश्वासन दे असत्य बोले उस सदन का सदस्य बने रहने का कोई मतलब नहीं। सर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक होने का भी भेदभाव ये लगातार चल रहा है। अभी पूर्व में सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपये भाजपा के दिया गया, अभी 3-3 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री त्वरित विकास योजना से दिया गया, विपक्ष के विधायकों को नहीं दिया गया। तो ये उनका अधिकार है वो करें, लेकिन जो पूर्व में निर्मित सड़कें हैं उसको मरम्मत करके शुद्ध रखना, सही रखना, जनता के चलने योग्य बना के रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज इस्तीफा दिया और इनकी जो मुख्य मांग थी वो भैया क्षेत्र की जो दो सड़कें थी उसको न बनवाए जाने के कारण इन्होंने माननीय राकेश जी हमारी विधानसभा के सक्रिय विधायक हैं और यह लोकप्रिय हैं, विभिन्न मुद्दों को सदन में उठाते हैं, नियमों के साथ उठाते हैं और अनुशासन में रहते हैं। उनका एक त्याग पत्र अभी मुझे प्राप्त हुआ है। हमारा इस अवसर पर उनसे अनुरोध है, मैं उनका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कि इनके क्षेत्र की आदरणीय जनता ने इनको योग्य, संघर्षशील और जो विधानसभा की नियमावली है उस नियमों के सापेक्ष एक अच्छा सदस्य मानकर चुना है और लगातार ये विधानसभा में और बाहर भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करते रहते हैं। तो ये त्याग पत्र, इनके मन में कोई भावना आई होगी, कुछ लिखा भी है इन्होंने, कुछ बताया भी है, उस भावना के आधार पर त्याग पत्र जहाँ से ये चुनकर आए हैं वहाँ की आदरणीय जनता के साथ कष्ट होगा। हम इनसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करें और मेरे पास इनका त्याग पत्र आ गया और ये त्याग पत्र है। इसको सर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना? हम ये हमारे पास आ गया है, हम इस पर यथा नियम विचार करें। कब तक सर? 9 तक 90 दिन का समय होता है सर, सही है ना? क्लियर कि 2 महीने बाद 90 दिन का समय हो। अभी अगर आप फैसला ले लेंगे तो इनका जो विधायक जी जो मिलता है तमाम अलाउंस सरकार जो तनख्वाह मिलती है तमाम चीजें मिलती है वो तुरंत बंद हो जाएंगी। आप लटका देंगे तो अगला चुनाव आ जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि इनको जो मिल रहा हो ना मिले? नहीं, हम नहीं चाहते, वो तो खुद इस्तीफा दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं ये बताइए, आप क्या करेंगे? हम तो संविधान और जो हमारी नियमावली है उसके अधीन इस पर विचार करें। नियमावली में वैसे है क्या प्रावधान है? 90 दिन का प्रावधान है, 60 दिन का है, 45 दिन। हम सारांश ये बता रहे हैं और अपनी ओर से इनसे अनुरोध भी कर चुके हैं कि उस साधारण जनता ने जिसने चुना है उसकी भावनाओं का ये ख्याल रखें। और दूसरे ये है कि हम प्रक्रिया नियमावली और जो संविधान है उसके अनुसार विचार करें। ठीक।